हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और हमें कुछ मिठाई ठंडा खाने का मन करता है, जिसे खा के हमारा दिमाग ठंडा हो जाए। तो आज हम चलते हैं, बनाते हैं ये रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले दूध ले लिए हैं और उसमें हमने डाल दिया मिल्क पाउडर और केसर दूध, और साथ ही जो पनीर था उसको भी घिस के इसमें डाल के मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको गाढ़ा बना लेते हैं। इसको चलाते रहे, हमें लो फ्लेम पर ही बनाना है, नहीं तो जलने का भी आ जाता है कि जलने लगता है। तो धीरे धीरे इसको हमें लो फ्लेम पर बनाते रहना है, और साथ इसमें हम चीनी डाल देंगे और इलायची पाउडर डाल के फिर से इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको जो है क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी। घी डालने के बाद फिर इसको एक बार चला देते हैं, और इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि गाढ़ा घोला बन जाए। इसमें हमने जो है डाला है ड्राई फ्रूट्स पाउडर, आप जो भी चाहे वही ड्राई फ्रूट्स डालिए। अब इसको गाढ़ा कर लेना है खूब अच्छे से, ताकि ये देखिए कितना अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इसको खोआ की तरह बना के हमें एक जो है पैन एक स्टैंड में लगा देना है। घी लगाने के बाद इसमें हम लगा दिए हैं सेट होने के लिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। करीबन हमने एक घंटा छोड़ा था। उसके बाद हम उसी कढ़ाई में दूध ले लेंगे और मिल्क पाउडर डाल के इसमें ड्राई फ्रूट्स, केसर, चीनी और इलायची डालकर इसको मैं चला दूँगी। अब चलाते चलाते इसमें हमें क्या करना है, सोक किया हुआ साबूदाना भी डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा साबूदाना का भी टेस्ट आ जाता है तो अच्छा लगता है। ये हमारा रबड़ी तैयार हो रहा है। अब इसको चला देखिए, हमारी रबड़ी तैयार हो गई। ये हमारा कलाकंद भी तैयार हो गया है। अब इसको हम चलते हैं सर्विंग करते हैं। स्क्वायर में काटे, आप जिस शेप में चाहें उस शेप में काटिए। अब हम इसको प्लेटिंग कर रहे हैं, तो प्लेटिंग करने में लगा देते हैं। इसमें हम लगा दिया रबड़ी भी जो ठंडा ठंडा, और इसको मैंने फ्रिज में रखा था ताकि ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद मैंने सर्व किया। तो आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और इस रेसिपी को और क्या नाम दे सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू सो मच।